अरे वरुण, अभी भी इस खटारा पे धक्के खा रहा है। नेहा, कैसी हो? तुमसे तो काफी बेटर हो। ये तेरा एक्स बॉयफ्रेंड वरुण ही है ना? हाँ, कॉलेज में ना बड़ी बड़ी बातें करता था, बेबी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। खुद तो इस खटारा पे घूम रहा है और बातें करता था BMW वाली। अरे ये बाइक मेरा नहीं है, वो तो। ओ, तो ये बाइक भी उधार की है। देखा तूने, इसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि खुद की बाइक तक अफोर्ड कर सके। बच गई नेहा तू, और अच्छा ही हुआ तूने इससे टाइम से ब्रेकअप कर लिया, वरना इतनी गर्मी में भी ये तुझे इस खटारा में ही घुमा रहा होता। यार ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, मेहनत तो इनसे होती है नहीं। आज इससे कुछ मांग लिया, कल किसी और से कुछ मांग लिया। वैसे तूने इसमें ऐसा क्या देख लिया था जो तूने इस फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था? तरस आ गया था इसकी शक्ल पे, कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता था कॉलेज में, जो कहती थी वही मानता था। मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुम्हारा हर काम मानता था। ओ प्लीज, तुम्हारी तो औकात तक नहीं थी मेरी जैसी लड़की को तुम पटा सको, और तुम्हारे पास तो फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे। यार तुझे पता है, इसको तो डेट पे भी मैं लेके जाती थी। फिर भी नेहा, तू ना इस भिखारी से तो काफी बेटर ही डिजर्व करती थी। अरे यार, मती मारी गई थी मेरी जो इससे प्यार कर बैठी, बट थैंक गॉड टाइम से इससे ब्रेकअप हो गया मेरा। वैसे कितना कमा लेता तू? जिस इंसान के पास बाइक तक उधारी की है, उसकी क्या ही कमाई होगी, लगा होगा किसी 5-10 हज़ार की जॉब पे। तुम्हें मेरे फियांसे का तो पता ही है ना, लंदन में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, कभी पेरिस कभी अमेरिका, आना जाना उनका लगा ही रहता है। और मेरे पापा, वो भी तो कितने अमीर और कामयाब इंसान है। अरे यार, हम भी कहाँ इस गरीब के मुंह लग रहे हैं, चल चलते हैं। यू आर राइट, ये कहाँ बराबरी कर पाएगा हमारी, इसकी किस्मत पे तो इस खटारा पे धक्के खाना लिखा है। अरे आपने अभी तक गाड़ी नहीं निकाली। क्या कहा तुमने, गाड़ी? अरे इस बाइक को गाड़ी क्यों कह रही हो? ये गरीब लोग ना शायद इसे ही गाड़ी समझते हैं। इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कभी गाड़ी तो देखी नहीं होगी। वैसे ये तुम्हारी अनपढ़ गवार बीवी है क्या? वरुण, आप जानते हो इन लोगों को? तुमने इसे बताया नहीं? अरे बताओ तो सही कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। एक्स हो तुम इनकी? वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली। अगर इतनी ही समझदार थी तो इस भिखारी से शादी क्यों की? क्या दिखाई दिया तुम्हें इसमें? मैंने इसीलिए इसे छोड़ा था क्योंकि ना ये तब किसी लायक था और ना अब है। अरे मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है, किसी ढंग के इंसान से कम शादी कर लेती। खुद भी ये खटारा पे धक्के खा रहा है और तुम्हें भी खिला रहा है। इनफ नेहा, बहुत बोल लिया तुमने, तुम मेरी वाइफ से ऐसे बात नहीं कर सकती। अब तो बड़ी जुबान चढ़ने लग गई है तेरी, याद नहीं है तुझे कॉलेज में कैसे मैं तुझे कुत्ता बना के रखती थी? कम से कम इतना लायक तो बन जाता कि अपनी बीवी को खुश रख सके। अरे मेरे तो नौकर तक के पास गाड़ी है और तू तो उससे भी गया गुजरा है। अब अगर एक और शब्द भी बोला ना तुमने तो सारी उम्र के लिए पछताओगी। धमकी दे रही है मुझे, समझती क्या है खुद को, महारानी है कहीं की? महारानी तो नहीं हूँ, लेकिन इस पूरे शहर की SP जरूर हूँ। और एक SP और उसके पति के साथ बदतमीजी करने का नतीजा ना तो तुम भुगत पाओगी और ना तुम्हारा बाप। और ठीक कहा तुमने इनको छोड़ के बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ती ना तो ये मेरी जिंदगी में नहीं आते। और जिसे तुम भिखारी बोल रही थी ना, वो वर्मा कंपनीज का मालिक है, नाम तो सुना ही होगा तुमने। वही जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। जब वरुण और मैं मिले थे ना, तब ना तो मैं SP थी और ना इनका कोई बिजनेस था, लेकिन इनकी मेहनत और अच्छाई की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस मुकाम तक पहुँच के ना, आज हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं ना, भगवान कभी ना कभी उनकी मेहनत को जरूर रंग लगाते हैं। पर पूजा के आने के बाद मानो मेरी किस्मत ही बदल गई। थैंक यू मेरी जिंदगी से जाने के लिए, अगर तुम नहीं जाती ना तो मुझे पूजा जैसी बीवी कभी नहीं मिलती। और दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, अगर ये झांकने की बजाय तुम अपनी जिंदगी पे ध्यान दो ना तो ज्यादा अच्छा हो। और हाँ, ये बाइक मेरी नहीं है, मैं अपनी कार लेने जा रहा था, ये रास्ते में गिरी हुई थी, इसे सिर्फ मैं उठा रहा था। जो लोग दूसरों को जज करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते और उनकी खुशियों से जलते हैं, वो लोग कभी भी ना आगे नहीं बढ़ते। आगे वही लोग बढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं। चलती हूँ।